अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। एक शॉर्ट वीडियो के जरिए वक्फ बोर्ड के बारे में आप तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूं। वक्फ बोर्ड के बारे में जो सबसे मेन प्रॉब्लम जो है हमारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, और मेरे तमाम जो वीडियोज़ हैं आपको वक्फ बोर्ड के पसंद आए हैं, उसके लिए आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअल में ये शॉर्ट वीडियो के जरिए एक दो मिनट में बताने की कोशिश करूँगा कि वक्फ बोर्ड में जो कंडीशन है कि उर्दू आपको लिखते बोलते और पढ़ते आना चाहिए, ये एक उसमें शर्त है। ठीक है, अब ये शर्त के जो है जिस तरीके से वहाँ पर मैंने वीडियो में बताया हो कि भाई आपको वो हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि आपको वो सर्टिफिकेट मांगे कि भाई आप उर्दू से पास है क्या, लेकिन उर्दू मीडियम की शर्त नहीं है उसमें। तो इसमें बात यह है कि जैसा अगर आप फॉर्म भरने के लिए रुक गए, मैंने पहले क्लियर किया था कि आपको फॉर्म, अगर आप एलिजिबल है, आप अगर एनी ग्रेजुएट है, कोई भी ग्रेजुएट है, तो आप वो फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के लिए रुकना नहीं है, 4 सितंबर तक टाइम है। तो उर्दू लिखते बोलते और पढ़ते आना चाहिए। मैंने एक अपने तौर पर यह कहा था कि भाई उर्दू मीडियम का आपको बेसिक एजुकेशन हुआ है क्या, ये सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, तो वो जो है एक अंदाज था। तो वो जो है कि मैं क्लियरेंस करना चाहूँगा, उसका करेक्शन करना चाहूँगा कि आपको लिखते पढ़ते और बोलते आना चाहिए, भले ही आप मराठी मीडियम हो और आपको लेकिन वो कंडीशन ये है कि आप मुस्लिम होना चाहिए। ये सबसे मेन कंडीशन है उस वक्फ बोर्ड की भर्ती में। तो आपको सिर्फ बोलते पढ़ते और लिखते आना चाहिए, उर्दू वो आ जाती है अगर आपको, तो आप एलिजिबल है एनी ग्रेजुएट। आप कोई भी बीए बीएससी या बीकॉम है वगैरह वगैरह, जो भी ग्रेजुएशन है आपका, ये बीएससी बीकॉम के अलावा भी ग्रेजुएट है आप, डिप्लोमा होल्डर उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। रही बात आप पेमेंट की पूछ रहे हो, तो पेमेंट जो भी रहेंगी वो नियर अबाउट उसके स्केल के हिसाब से रहेंगी, अधीक्षक के स्केल के हिसाब से, अभियंता के स्केल के हिसाब से, स्टेनोग्राफर की उसके हिसाब से रहेगी। ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन लिटरेसी की मैंने जो बात किया हो, तो जो भी आप जो है कंप्यूटर एजुकेशन जब मांगा जाता है गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म फिल करने से पहले, वो पूरे सर्टिफिकेट्स आपके जो है या आपके जो भी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गई भी होना चाहिए बिफोर फॉर्म फिलिंग करने से पहले आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो उर्दू जो है मीडियम नहीं, बल्कि उर्दू आपको वो लैंग्वेज आना चाहिए, लिखना पढ़ना और बोलना। बाकी अदरवाइज जब भी मुझसे कोई मिस्टेक होती हो तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो है फॉर्म भर रहे होंगे या नहीं भरे होंगे, तो अपने तौर पर आप एनी ग्रेजुएट है तो भर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको उर्दू लिखते और पढ़ते और बोलते आना चाहिए, क्योंकि उसके काम होंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उर्दू में होंगे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अपने कई मुस्लिम बच्चे हैं जो अदर मीडियम से होकर भी उर्दू लिखना बोलना और पढ़ना जानते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, ये क्लियरेंस करना था। और भी बहुत से वीडियोज इंशाल्लाह हम अलग अलग तरीके से अपलोड करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप फॉलो जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।